जेंटलमैन, आज हम आपको बॉगी के बारे में बताते हैं। लोको बॉडी का वजन फ्रेम पर लेने के लिए हर बॉगी में एक पिवोट तो साइड लोड बेयरर लगे होते हैं। लोको का वजन 60% सेंटर पिवोट पर तथा 40% साइड लोड बेयर पर आता है। लोको को खींचने की पूरी जिम्मेदारी केवल सेंटर पिवोट की होती है, इसमें साइड लोड बेयर का कोई भी हिस्सा नहीं होता। अब हम आपको बॉगी के पार्ट्स के बारे में और बॉगी का वर्गीकरण किस तरह किया गया इसके बारे में बताते हैं। बॉगी का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है, एक्सल की संख्या और एक्सल डाइव का प्रकार। एक्सल की संख्या और एक्सल डाइव का प्रकार के आधार पर बॉगी का वर्गीकरण किया जाता है। अब व्हील अरेंजमेंट कैसे होता है? बॉगी में एक्सल की संख्या और एक्सल ड्राइव के प्रकार को व्हील अरेंजमेंट कहते हैं। व्हील अरेंजमेंट के लिए नॉर्मली इस समय जो वर्किंग लोकोज हैं उसमें दो टाइप की बॉगी लगी होती हैं, बोगो टाइप की बॉगी और कोको टाइप की बॉगी। बोगो टाइप की बॉगी, एक बॉगी में दो एक्सल स्वतंत्र रूप से अलग अलग ट्रैक्शन मोटर द्वारा संचालित होते हैं, और जो कोको बॉगी है उसमें एक बॉगी में तीन एक्सल होते हैं, एक्सल स्वतंत्र रूप से अलग अलग ट्रैक्शन मोटर द्वारा संचालित होते हैं। बी टाइप की बॉगी आजकल यूज में नहीं है। जो बोगो टाइप की बॉगी है वो केवल WP5 लोको में इस्तेमाल की गई है, और जो कोको टाइप की बॉगी है WM4, WP1, WP4, WP7, WG5, WG7 और WG9 में यूज की गई है। अब हम बॉगी के प्रकार और बॉगी के स्पेयर पार्ट्स के बारे में आप बताएंगे। बॉगी के प्रकार दो टाइप की बॉगी है, कोको ट्राई माउंटेड बॉगी जो WG5 लोको में यूज में की गई है, दूसरी बॉगी है हाई एडिशन बॉगी जिसको WG7 लोको में यूज किया गया है, तीसरा फ्लेक्सी कॉल बॉगी जिसको WP1 और WP4 में यूज किया गया है। अब हम WG5 लोको की कोको ट्राई माउंटेड बॉगी के लेआउट और उनके पार्ट्स के बारे में आपको बताते हैं। यह हमारा बॉगी फ्रेम, ये हमारा ब्रेक सिलेंडर, ये हमारा एक्सल बॉक्स, ये हेलीपल स्प्रिंग, ये ब्रेक ब्लॉक, ये ब्रेक हैंगर, स्लैक एडजस्टर, स्पेस बोल्ट, स्पेसर बोल्ट, इक्वलाइजिंग बीम, सैंड बॉक्स, ब्रेक एडजस्टिंग रॉड, ब्रेक शू। अब WG7 में यूज की गई लोको हाई एडिशन बॉगी का लेआउट के बारे में आपको बताते हैं। ये बॉगी फ्रेम, ब्रेक सिलेंडर, एक्सल बॉक्स, हेलिकल स्प्रिंग, ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक हैंगर, वर्टिकल डैम्पर, कंपनसेटिंग बीम, इक्वलाइजिंग बीम, डी शकल पेन, डी शकल चेन, ये लिंक, लेटरल स्टॉपर, ये WP4 में इस्तेमाल की गई फ्लेक्सी कॉइल बॉगी का लेआउट के बारे में आपको बताते हैं। यह बॉगी फ्रेम, ब्रेक सिलेंडर, एक्सल बॉक्स, प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग, ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक हैंगर, सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग, ब्रेक शू, ब्रेक एडजस्टिंग रॉड, यह हमारा स्टॉपर प्लेट। थैंक यू।